ओके स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एस्पिरेट के बारे में बताऊंगा। एस्पिरेट किसको कहते हैं? ये इंग्लिश में एच को एस्पिरेट करते हैं कहते हैं, और शॉर्ट हैंड के अंदर एच को हे कहते हैं। ये हे के बारे में चैप्टर है जिसको एस्पिरेट कहते हैं। एस्पिरेट क्यों कहते हैं कि सांस का आना निकालना और सांस का लेना, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग अगर हम करते हैं तो सिर्फ है की आवाज आती है। सो एस्पिरेशन मीन्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। तो ये इसका नाम जो है, इसीलिए इसका नाम एस्पिरेट रखा है कि ये सांस का ऊपर आवाज को हे कहते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? ये हमारे पास स्ट्रोक है, नंबर दो टिक है, नंबर तीन डॉट है। अभी तक आपने कंसोनेंट्स के अंदर सीखा था कि दो प्रकार की हे होती है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। कंसोनेंट्स में तो दो ही थी, लेकिन एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर तीन प्रकार की हैं। ये तो है स्टॉक हो गई, स्टॉक है हो गई। एक होता है टिक है, जैसे टिक ही होता है इस प्रकार टिक है भी है, और एक डॉट है। ये डॉट के ऊपर एक ही बिंदी के ऊपर एक डॉट लगा दो या डैश के ऊपर एक डॉट लगा दो, वो है हो जाएगा। लेकिन ये एक ऊपर लगाया तो हे है, ऊपर लगाया तो हु है। इसका मतलब ये है, जहाँ ऊ का वाउल डैश का वाउल होगा या डॉट का वाउल होगा, उसके ऊपर एक और डॉट लगा दिया जाए तो वो एस्पिरेट माना जाएगा। तो ये तीन होती है, एक स्टॉक है, नंबर दो टिक है, नंबर तीन डॉट है। अब इनको मैं बताता हूँ ये कैसे लगते हैं और इनको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लगाया जाएगा। अभी देखिए स्टॉक है, हमारे पास दो स्ट्रोक हैं कंसोनेंट में। हमारे पास दो स्ट्रोक है कंसोनेंट से, डाउनवर्ड और अपवर्ड है। ज़्यादातर ये है इस्तेमाल होती है अपवर्ड, जैसे होप, हीरो, हरी, हाई, हायर। तो ये सॉरी ये हायर का अभी नहीं, ये अपवर्ड है ही जो मैं आपको बता रहा था, जैसे होप अपवर्ड है हो गया, हीरो हीरो, हैन, हेस्ट, हनी, हैंग, हेड, हेडमास्टर। तो ये हेड, होप, ये आप देखेंगे ज्यादातर अपवर्ड है का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं कहीं डाउनवर्ड है का भी इस्तेमाल होता है। वो डाउनवर्ड है कहाँ इस्तेमाल होगा? अभी डाउनवर्ड है का इस्तेमाल होगा, आपके पास हॉरिजॉन्टल है के गे एन एम, ये तो हॉरिजॉन्टल है, एक एल है। इनके साथ हमेशा डाउनवर्ड हे बाद में आती है, जैसे कोहियर, नेहरू, महोगनी, लाहौर। तो ये हॉरिजॉन्टल के एन एम, के गे एन एम और एक एल, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एल और है, तो इनके बाद में हमेशा हे आती है और वो डाउनवर्ड है आती है, ठीक। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि के गे से पहले भी ये हाकी, होग, हाग, हो, ये इनके साथ तो के और गे के साथ तो पहले भी हे डाउनवर्ड आती है, बाद में भी हे डाउनवर्ड आती है, लेकिन एन के अंदर बाद में तो आती है डाउनवर्ड है, लेकिन पहले हनी में अपवर्ड है आती है एन के अंदर।
तो ये ध्यान रखो आपके हॉरिजॉन्टल है कि ये एन एम इनके बाद में हमेशा डाउनवर्ड हे आती है और एल के बाद में भी डाउनवर्ड हे आती है। नंबर दो है स्टैंडिंग अलोन। स्टैंडिंग अलोन का मतलब हे है, जैसे हाई, हे, यू, तो है की आवाज है उस पर है पर ही वावल वावल लगे हैं तो इसको कहते हैं अकेले हे आना, उसके अंदर वावल आ जाना। जब हे अकेली वावल के साथ आएगी तो डाउनवर्ड हे आएगा, जैसे हाई, हाईली। आप ये कहेंगे तो ये तो अकेली नहीं आई है, लिए आ गया। हायर, अब इसके अंदर कैसे आ गया? नहीं, ये ठीक है। वो कैसे है? एक डेरिवेटिव होता है, ये हाई है, अच्छा जी अच्छा ही, इसके अंदर चाहे ली जोड़ दो, चाहे हाई नेस जोड़ दो, चाहे हायर कह दो, हायर बना दो, तो वर्ड तो मेन रूट तो हाई है, इसके अंदर ली नेस जो कुछ भी जड़ता है वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब है ड्राइवन फ्रॉम, ये ड्राइवन फ्रॉम हाई है, इसका रूट वर्ड हाई है। हाई का जब एडजेक्टिव बना दो, चाहे एडवर्ब बना लो, चाहे उसका नाउन बना लो, तो वो जो एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब बनता है रूट वर्ड का वो उसका डेरिवेटिव होता है। रूट वर्ड तो हाई है, उसके अंदर ली नेस हायर अर जोड़ दो, तो रूट वर्ड के आगे जो कुछ भी जुड़ता है वो उसका डेरिवेटिव है। तो आप ये ध्यान रखिए कि रूट वर्ड जैसे लिखा जाएगा वैसे उसको बढ़ाइए, उसको डेरिवेटिव को उसके अंदर जोड़ दीजिए। जैसे हाई है रूट वर्ड है, हाईली डेरिवेटिव है, तो हमने हाईली हाई डाउनवर्ड बना करके हाई ली जोड़ दिया। हायर है रूट वर्ड हाई है, वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा अकेला, लेकिन हायर आ गया तो हाई में ही आर डाउनवर्ड मिला दो। तो ये स्टैंडिंग अलोन ही में आते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है, उनका रूट वर्ड जैसे बनेगा वैसे ही रहेगा। दूसरा, ये डेरिवेटिव के अलावा कुछ कंपाउंड भी होते हैं, जैसे हे स्टॉक, घास का जो ढेर होता है जैसे हे स्टॉक है, तो ये हे और स्टॉक, तो ये क्या है? ये दो वर्ड है, हे और स्टॉक, इसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड के अंदर जैसे दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं तो अलग अलग ही बनेंगे। हे आपका हे अगर ऐसे बनता है तो हे ऐसे ही रहेगा, और हे स्टॉक है तो हे के अंदर ही स्टॉक जोड़ दीजिए, ये हे स्टॉक हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है, अकेला है कैसे आता है? डाउनवर्ड हे से, स्टॉक इसके अंदर ये कंपाउंड बन गया और ये स्टॉक, तो हमने हे के अंदर स्टॉक जोड़ दिया। तो ये जब कंपाउंड या डेरिवेटिव होते हैं तो हे को आपने इंडिपेंडेंट जैसे बनता है वैसे बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में हो गया, आ गया होगा। जब हे अकेला आता आवाज तो हे डाउनवर्ड ही बनेगा, हे हाई, यू हाई, हाईली हायर, हे स्टेक। अब हॉरिजॉन्टल के बाद में मैंने बताया था डाउनवर्ड आता है, अकेला आता है तब भी डाउनवर्ड आता है, हॉरिजॉन्टल के बाद में के गे में तो पहले भी डाउनवर्ड ही आएगा, हॉकी, लेकिन बाद में कोहियर, महोगनी, नेहरू, एनी हाउ, लाहौर। मैंने आपको बताया के गे एम एन और एल इनके साथ हमेशा बाद में डाउनवर्ड हे आता है। महोगनी के में तो पहले भी हे डाउनवर्ड आता है, तो ये ध्यान रखना के इनमें हे डाउनवर्ड आया। अब मैं आपको बताता हूं टिक हे। टिक हे आपको एक शब्द आता है मिलर, मिलर नाम है, एम एल आर, ये मिलर है,
इसके अंदर हमेशा टिके होता है। टिके क्या है, डाउनवर्ड है के अंदर आपने ये बनाया, ये ही है और एम बनाया, ऊपर से इसका हेड हटा दो तो ये टिक रह जाती है। तो ये एक किस्म की डाउनवर्ड है ही है, लेकिन इसके अंदर हमने हे का पूरा ना लेकर के टिक लेते हैं। जैसे होम हिलर है तो होम है ऐसे बनाएंगे, हिल है ऐसे बनाएंगे, हर है ऐसे बनाएंगे। तो इसका मतलब है मैं, ले और आर, एम एल आर के अंदर टिक हे आती है। हे को हम टिक से लेंगे, पूरा हे नहीं बनाएंगे। अभी ये तो हमने हो मिलर में बताया, मिलर नाम है तो एम एल आर आता है मिलर में, उनके अंदर टिक हे आती है। अभी एक जॉइनिंग में फ्रेज के अंदर भी, जैसे जैसे फॉर, ये आपने लिखा फॉर दी, नहीं है ये फॉर दी ऐसे होता है, लेकिन अगर एम मिला दिया तो फॉर होम है, फॉर हिम है, जैसे फॉर हिम है। तो ये फ्रेज के अंदर हमने ले लिया टू दी, जैसे टू हिम है, टू होम है, टू होम, टू होम। आप जैसे इनमें समझिए, आप जैसे देखिए फॉर होम, ऑफ होम, टू हर, ये ऑफ होम है या ऑफ हिम बना दो, ये ऑफ होम, टू हर, फॉर होम, ऑफ हिम, ऑफ होम, ऑफ हर या टू हर, ये ऑफ हर है तो ऐसे बनाएगा, टू हर है तो ऐसे बन गया। ये फ्रेज के अंदर आ गया, जिसमें ऑफ और टू के अंदर हर मिलाते हैं तो टिक हे से बनाते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। अभी हम डॉट हे के बारे में बताएंगे। डॉट हे किसको कहते हैं, जैसे डॉट लगेगी तो उसके ऊपर एक डॉट और लगा दिया, इसका मतलब वो हे है दूसरी डॉट। डैश के अंदर अगर डॉट लगा दिया तो वो हे माना जाएगा। जैसे व्हीकल, व्हीकल जो गाड़ियां होती है, कार, ट्रक, तो इनको व्हीकल कहते हैं। ये व्हीकल है लेकिन वही कल है, जैसे ही कल ऐसे बना है तो हे को तो मिट गया, हे तो हमने डॉट में ले लिया और कल हमने लिख दिया, ये हो गया व्हीकल। ये ही कल था, हे को हमने डॉट में ले लिया और ही कल लिख दिया, तो ये हो गया ही कल, वही कल। जैसे परहैप्स, ये पर है, ये हैप्स है, लेकिन जब हमने इकट्ठा लिख दिया पर एप्स ऐसे लिख दिया तो जो एप्स, ये है एप्स, पर और एप्स है, अरे ये डॉट और लगा दिया हो गया पर एप्स। ठीक। अभी जैसे मैनहुड है, ये मैन है, लेकिन जब बीच में लेना होता है तो एनु को कैंसिल कर लेते हैं, ये मैन हो गया, ये मैन हो गया और ये उड हो गया, जहां उड है तो हमने एक डॉट लगा दिया था, हुड हो गया मैनहुड। डैश की जगह पे भी हे लगा दिया, डॉट की जगह पे भी हे लगा दिया। जैसे ये एग्जांपल मैंने बता रखे हैं, व्हीकल, ये हीकल है तो ये व्हीकल हो गया, ईकल है तो हीकल हो गया, हैप्स है तो एप्स है तो हैप्स हो गया। डाउनहिल, जैसे डाउन है, ये डाउन है, ये इल है, ये डाउन इल है, अगर एक डॉट ओ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, डाउन हिल, तो इसको हम डॉट हे कहते हैं। जब हमारा हे की जरूरत पड़ती है और लंबा बनता है या पॉसिबल नहीं होती है ये लिखना, तो हम उसको डॉट से भी लगा लेते हैं, लेकिन डॉट लगेगा वावल के ऊपर, जैसा वावल लगेगा यह से आगे उसी वावल पर डॉट लगा देंगे। जैसे व्हीकल, परहैप्स, डाउनहिल, मैनहुड। ठीक। अभी कुछ एक ऐसे है कंफ्यूजन होता है, जैसे एक्सचेकर है या कोहियर है, तो आपने कोहियर तो बाहर से लिखा है, इधर से बाहर लिखा है, ये टच नहीं हो रहा, कोहियर है,
ये बाहर से लिखा है, लेकिन बाय चांस अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये हे नहीं माना जाएगा। ये सर्कल, ये एंगल है, एंगल से बाहर आपका सर्कल माना जाता है। तो हे को लेना है तो बाहर से लीजिए कोहियर। अगर आपने उसको काट कर ले लिया तो वो एंगल से बाहर होते ही सर्कल माना जाएगा। जैसे एक्स चेकर, ये एक्स है चेकर, लेकिन कोहियर बाहर से लिया है इसको। अब अभोर, ये बी के अंदर हमने बाहर से एक साइड में, राइट साइड में लेकर के ये बनाया है अभोर। ये हे है, ये रे है, आगे रे है, ये अभोर है। लेकिन ऑब्जर्व, जब बी के अंदर हमने ऐसे ले लिया तो ये सर्कल बन गया खाली, और कुछ नहीं, ये ऑब्जर्व हो गया, ऑब्जर्व। अगर हम उसको एंगल के बाहर लेते हैं तो सर्कल मानेंगे, और एंगल नहीं बनने देंगे और उसको एक साइड से लेंगे तो वो हम हे पढ़ेंगे। ये आपका डिस्टिंक्शन से फर्क दिखाने के लिए मैंने आपको बताया। एक्चेक को ऐसे बनाइए, कोहियर को ऐसे, अभोर को ऐसे, और ऑब्जर्व को ऐसे। आई रिवाइज इट, देर आर टू थ्री टाइप ऑफ हे। स्टॉक है, डाउनवर्ड है, हे एंड अपवर्ड है, टिक है एंड डॉट है। अपवर्ड है इज मोस्टली यूज्ड समवेयर, डाउनवर्ड है इज आल्सो यूज्ड वेयर आर दोज ओकेजंस व्हेन स्टैंडिंग अलोन। ओनली अलोन मींस व्हेन देयर इज अ वॉवल एंड हे ओनली, हे हाई, ह्यू हाईली, हायर एंड हाईस्टिक। You will say that this is not a standing alone. Of course, it is a standing alone case because high is a derivative. When high is a root word and something li and ness is added, so it is a addition to the root word. So that is called a derivative. So derivative is called also a standing alone case. High, highly, higher, high, a stake. Compound words means when there are two separate words standing alone and each have a separate meaning, and when they give together a together meaning like haste, haystack, haystack means some stalk of bushes. So that haystack is, there are two words, so we have made it as a hay separate and stalk added to it. So in the compound we want confuse, and we shall make a separate independent outline whatsoever it is. With the horizontal always, he afterward is written downward like cohere, mahogany, anyhow, Nehru, and also after L, downward he is written like Lahore. Tick he, I have given a name Miller, Miller is a name, Miller consists of M, L and R. I mean to say that they will be written with the tick he. A tick is also considered as a he, like he was introduced as he. Like the same case in the MLR, he is written with the tick, like home, hill and her. In Phrasing while joining together also tick he may be taken, like for him, to him, this is of him. So in the phrasing also we shall take this tick he also, like that, to him. To is on the line always. So if we have written M, we mean to, it stands for the meaning that we have written to him. That's all. Dot is also introduced in this chapter. How this dot will be inserted and written? It is written on the dot, another dot is made, it is he. Then dash and another dot is made upon it, we considered that it is a he. Then like that, vehicle, we have written equal here and added a dot here, we consider it as vehicle. For apps, it is a apps. When another dot is inserted in with it or written with it,
we take it as a hey, and it the words have become now perhaps. Downhill. Down, of course, it is very clearly written through the line, and ill has been written. With it, another dot has been added. It means it is a hey. It is not hill, ill, but it is hill. Downhill. Manhood. With the U, this is a U dash vowel. With the dash vowel, we added another dot. It means we want a hay to be read. So, this is not a wood, this is a hood. Manhood. To make a distinction so that outside the angle there is nothing but a S. So, we have to make it outside the K so that we may not be confused that whether it is a circle or a hay. Circle will be outside the angle. When we are making quite outside the K, it means we are making a hay. Intentionally we are writing it. Then kaho, cohere. Exchequer has been written in this way, but cohere, hay has been taken outside the K. Abhor. With the alongside of the B has been written hay, where observe has been written by the circle. We have straightforward cut it and written observe. But in the case of observe, we have taken to the side of the bay, B, and written observe. Abhor. This is abhor. So, this is observe, it is outside the angle, we have taken it as a S. When we write it to the side, and then make a stock, it means it is a he. So, don't be confused about making a he and circle. Circle has to be outside the angle, where he has to be written quite adjacent to the stock consonant. I am closing this chapter. Thank you very much. I hope you would have got my idea. The aspirate is only inhaling and exhaling. It is a one sort of breathing out and breathing in. So if we have a vowel with the breathing, we automatically have hey, which is called in English H. Thank you very much.